हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जूनियर एडेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो है कि जो सिलेबस है उसमें साइंस और मैथ दोनों ही पूछा जाएगा। साइंस के सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ये जो है उसमें कवर होता है, तो आप इसको ज़रूर से करिए। और यह जो है चैप्टर नंबर 8 है क्लास 7 साइंस का, महाराष्ट्र बोर्ड का। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि चार्ज मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में होती है? चार्ज के फॉर्म में होती है। तो चार्ज के फॉर्म में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जो है कि चार्ज रहे लेकिन जो है कि वो मूव ना हो। किसी भी एक वस्तु पे जब चार्जेज हैं तो वो चार्जेज हैं लेकिन वो मूव नहीं हो रहे हैं, तो उनको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे कि कोई प्लास्टिक की कॉम जो हम कंघी यूज करते हैं हेयर्स को बांधने के लिए, सही करने के लिए, अगर हम उसे देर तक रब करते हैं अपने हेयर में तो वो जो है उस पे चार्जेज आ जाते हैं। तो उस पे चार्जेज आ जाते हैं। और अगर हम पेपर के छोटे छोटे पीसेस को लेके उससे पकड़े तो जो है पीस ऑफ पेपर जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कम पे। इफ वी पास नियर ए पॉलिस्टर कर्टन अगेन एंड अगेन, और अगर हमारे घरों में जैसे कि पॉलिस्टर कर्टन जो पर्दे लगे होते हैं, अगर वो पॉलिस्टर का है, जब भी हम उसके आसपास से गुजरते हैं तो वो जो है पर्दे थोड़े से उठते हैं और अट्रैक्ट महसूस करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो चार्जेस की वजह से होती हैं। इफ़ यू रब ब्लैंकेट विथ आवर हैंड, ब्लैंकेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट को अपने अंदर रोक के रख सकते हैं, इसलिए जब भी हम ब्लैंकेट को जो है हाथ से रब करते हैं तो उनमें चार्जेज हो जाती हैं और छोटे छोटे स्पार्कल टाइप की चार्जेज जो है इलेक्ट्रिसिटी वो दिखती है और आवाज़ें भी होती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, व्हाट डू द एबव ऑब्जर्वेशन टेल अस, ये सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन है ये हमें क्या बताते हैं? एग्जाम्पल आर जस्ट ए ग्लिम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेज, ये जो एग्जाम्पल हैं ये चार्जेज के एग्जाम्पल हैं। दैट ऑल ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग होल्ड इन एबंडेंस, जो हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि होल्ड करते हैं एबंडेंस में। इलेक्ट्रिक चार्जेज इज स्टोर इवन इन आवर बॉडी, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वस्तुओं पर ही नहीं हमारी बॉडी में भी स्टोर होते हैं। ऑल सब्सटेंसेज आर मेड ऑफ द वेरी टाइनी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल, कोई भी अगर पार्टिकल है उसके अंदर भी चार्ज होता है और चार्ज का होना किसी भी पार्टिकल का जो है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। दो इन दिस वे इलेक्ट्रिक चार्ज इज एबंडेंटली प्रेजेंट, इट इज ऑलवेज इन द हिडन स्टेट, दिस इज बिकॉज टू अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेज प्रेजेंट इन इक्वल नंबर इन ऑल दिस सब्सटेंसेज। व्हेन द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, किसी भी वस्तु में जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बैलेंस होते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है क्या होता है, बैलेंस होता है या न्यूट्रल होता है। देयर इज नो नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे नेट कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। हाउ वुड टू चार्ज ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, दो वस्तुएँ किस तरह से एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। रब वन इंड ऑफ द ग्लास रॉड, जब हम ग्लास रॉड के एक इंड को रब करते हैं विद अ सिल्क क्लॉथ, ड्यू टू रबिंग ए स्मॉल चार्ज विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर, एज अ रिजल्ट बोथ द ऑब्जेक्ट विल बिकम समवट चार्ज्ड। अब इसमें क्या होता है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं। सस्पेंडेड दिस रॉड फ्रीली इन द एयर, जब हम इस रॉड को एयर में फ्रीली हैंग करेंगे, सस्पेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड, Now charge another glass rod in the same manner and bring it near the suspended rod. What do you see? The two rods
पुशेज ईच अदर अवे। जब हम इसी तरह के दो रॉड को इसी तरह से सिल्क क्लॉथ से रब करके और थ्रेड की मदद से हैंग करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पुल मीन्स कि एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इन द सेम मैनर ब्रिंग इट नियर द सस्पेंडेड रॉड। व्हाट डू यू सी? द टू रॉड पुश ईच अदर अवे। नाउ टेक ए प्लास्टिक रॉड। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, एक ग्लास रॉड लेंगे और एक प्लास्टिक रॉड लेंगे। एक ग्लास रॉड लेंगे और एक प्लास्टिक रॉड लेंगे। रब द एंड अगेन विद द वूलन क्लॉथ। प्लास्टिक रॉड के एंड को हम वूलन क्लॉथ से जब रिंग रब करेंगे। ब्रिंग दैट इन नियर द सस्पेंडेड ग्लास रॉड। नाउ व्हाट डू यू सी? द टू रॉड्स आर पुल टुवर्ड्स ईच अदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ग्लास रॉड जिसको हमने सिल्क से रब किया था, दूसरा प्लास्टिक रॉड जिसको हमने उलन का क्लॉथ से रब किया था, जब हम इन दोनों को हवा में थ्रेड की मदद से लटकाते हैं तो ये एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। व्हाट डू यू फाइंड इन दिस एक्सपेरिमेंट? इससे हमें क्या समझ में आता है? टू रॉड्स कैरिंग सिमिलर चार्जेज। यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि दो चार्ज जो जिन पे एक समान चार्ज होता है, एक जैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो रिपल्सन करते हैं, उनके बीच में रिपल्सन होता है, और दो रॉड में कि एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है तो वो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। द साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम द चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने चार्जेस को नाम दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे पैदा हुए? वैसे तो देखा जाए तो यूनिवर्स में हर जगह चार्जेज हैं, लेकिन ओरिजिन मीन्स कि जब हम समझना शुरू कर देते हैं किसी एक पॉइंट से तो उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑल सब्सटेंसेज आर मेड ऑफ द पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल्स आर, ये जो पार्टिकल्स होते हैं अल्टीमेटली मेड ऑफ वेरी टाइनी एटम्स, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे एटम्स से मिलके बने होते हैं। वी शैल बी लुकिंग एट द डिटेल ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा और इसके लिए आगे के क्लासेस में हम देखेंगे। एट दिस स्टेज इट sufficient to know that each atom contain stationary positive and moving negative charge। हर एक जो एटम होता है उसके अंदर हम जाते हैं तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि एक जगह होता है, और नेगेटिव जो चार्ज होता है वो उसके चारों तरफ मूव कर रहा होता है। दीज टू चार्जेज ब्रिंग परफेक्टली बैलेंस, और इन दोनों चार्जों के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बना होता है। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऑल ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ एटम विच मीन्स दैट दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देन हाउ डू ऑब्जेक्ट्स बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड? तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर सम रीजन बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम गेट डिस्टर्ब। फॉर एग्जाम्पल वेन सर्टेन ऑब्जेक्ट आर रब अगेंस्ट ईच अदर द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑन वन one object go to the other object, the object to which they go become negatively charged due to an excess of the negatively charged particle. Similarly, the object from which the negatively charged particle go away become positively charged due to the deficiency of negative charge particle. It means that the two object being rubbed, one become positively charged and the other be negatively charged. तो हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को जब हम रब करते हैं एक दूसरे से तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पे हम मटेरियल की बात करें तो पेपर पॉलिथीन नायलॉन क्लॉथ कॉटन क्लॉथ सिल्क क्लॉथ ईटीसी। प्रोसीजर फर्स्ट टेक द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है, ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने को नहीं है। डू यू नो अबाउट द 2500 years ago ए ग्रीक साइंटिस्ट नेम Thales found that feathers are attracted towards a rod
ऑफ येलो कलर्ड ऑफ येलो कलर्ड एम्बर एम्बर विच हैज़ बीन रब्ड अगेंस्ट ए वुलन क्लॉथ. अम्बर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन इन ग्रीक लैंग्वेज. देयर फॉर दिस प्रॉपर्टी ऑफ एम्बर टू अट्रैक्ट थिंग्स नेम्ड इलेक्ट्रिसिटी बाय द थॉमस ब्राउन. यहाँ पे हम देखेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी दिस चार्ज इज प्रोड्यूस ओनली एट द प्लेस ऑफ फ्रिक्शन. हेंस इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इट रिमेन ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन. यहाँ पे कुछ प्रोसीजर दिया हुआ है जिससे कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को समझ सकते हैं. टेक ए थर्माकोल बॉल. हम एक थर्माकोल बॉल लेंगे और हम क्या करेंगे, बॉल मस्टर्ड सीड ऑन ए बॉटल एंड शेक द बॉटल विग्रसली. द सीड ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर बट स्टिक टू द बॉटल. वाई डज दिस हैपन. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पार्टिकल्स जो हैं, जो मस्टर्ड सीड है, वो चार्ज हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है. हम ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं. कम को रब करके जब हम पेपर पीस के पास में ले जाते हैं तो वो उसे अटैच हो जाता है. उसके बाद हम देखेंगे कुछ और प्रैक्टिकल जिससे हम कि चार्जेस के होने के चार्जेस के स्टैटिक चार्जेस के होने को प्रूफ कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. जब हम किसी बैलून को इस तरह से पास ले जाते हैं, कीप ए स्पेंट ट्यूब लाइट इन ए डार्क प्लेस, रब इट विग्रसली विथ ए थिन पॉलीथीन बैग, व्हाट happen and why. तो इस तरह से यहाँ पे है, when an uncharged aluminium ball is brought near a negatively charged balloon, following things happen. Means कि ये जो है aluminium ball है, जब हम इसको इस तरह से hang करेंगे और जब हम जो है कि एक balloon जो कि negatively charged है इसके पास ले आएंगे, तो यह जो है एक दूसरे को attract करेगा. इसे ये proof होता है कि positive और negative charge एक दूसरे की तरफ attract होते हैं, जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. यूज योर ब्रेन पावर. यहाँ पे हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्जेस. एटमॉस्फेयर में जो लाइटनिंग होती है वो क्यों होती है, उसे हम लोग इस फिगर से बहुत आराम से समझ सकते हैं. ये जो है हमारा माउंटेन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेज हैं. ये जो हमारा क्लाउड है, क्लाउड में क्या है कि क्लाउड का जो नीचे का हिस्सा होता है जो कि अर्थ फेसिंग होता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होते हैं और क्लाउड के ऊपरी सतह पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं. तो जब ये निगेटिव चार्ज होते हैं क्लाउड की निचली सतह पे, और ये जो प्लांट्स हैं, बड़े बड़े ट्री हैं, माउंटेन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को जो है, कभी कभी क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्जेज जो माउंटेन पे इतने ज़्यादा हो जाते हैं और ये क्लाउड पे निगेटिव चार्जेज इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होने लगता है और फिर ये लाइटनिंग, ये चमक के रूप में हमें दिखाई देता है. इसे ही हम लाइटनिंग कहते हैं. ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक इसी से होता है. उस समय हमें खुद को बचाना चाहिए और किसी भी पेड़ के नीचे नहीं छुपना चाहिए. लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं? जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि हमारे जो घर बने होते हैं, बिल्डिंग, उनमें जो है सबसे ऊपर एक इस तरह का इंड बनाया जाता है और इसकी जो है कॉपर स्ट्रिप से इस तरह से अर्थ में ले जाके अर्थिंग की जाती है. इसे कास्ट आयरन प्लेट कहते हैं. कूल एंड सॉल्ट. यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है लाइटनिंग के द्वारा, वो इस कॉपर स्ट्रिप के द्वारा जाके इस जो है आयरन प्लेट को चली जाती है और आयरन प्लेट से फिर वो अर्थ में चली जाती है. से क्या होता है कि हमारे घर जो है वो लाइटनिंग से और किसी भी दूसरे तरह के इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह से हमारे घर जो है बचे रह सकते हैं. लाइटनिंग कंडक्टर जो
होते हैं। द लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ए लाइटनिंग स्ट्राइक। जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं वो एक डिवाइस होते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक, और ये जो है हमें बचाते हैं जो लाइटनिंग होती है उससे। इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज कॉपर स्ट्रिप। मैंने आपको बता दिया कि यह किस तरह से बने होते हैं। ए पिट इज डग इन द ग्राउंड। ये जो है एक पिट है, एक गड्ढा है जो खोद के रखा जाता है, और इसमें जो है स्ट्रिप इज कनेक्टेड टू द प्लेट ऑफ कास्ट आयरन। और यहाँ पे यह जो कॉपर स्ट्रिप है इसको ले जाके हम आयरन से कनेक्ट कर देते हैं। ए पिट इज डग इन द ग्राउंड, कोल एंड salt and filled into the pit and iron plate is placed upright in the pit। इस तरह से हम ये व्यवस्था करते हैं। There is also a provision for pouring water into it। और इसमें वाटर का पोर करने का, वाटर को पोर करने का भी एक मेथड होता है। Pouring water into it, this help to spread the electric charge quickly into the ground and prevent damage। ये पूरी व्यवस्था इसलिए होती है कि अगर कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे घर पे आते हैं तो वो सीधे जो है इलेक्ट्रिक के द्वारा ये जो है कास्ट आयरन की प्लेट और पानी से होते हुए ग्राउंड में चले जाते हैं। व्हेन एवर एन इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड प्रोसेस ओवर द बिल्डिंग, द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग आर कंडक्टेड इनटू द ग्राउंड थ्रू द कॉपर स्ट्रिप। मीन्स कि इस तरह के चार्ज क्लाउड जब भी हमारे बिल्डिंग के ऊपर से जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है ये कॉपर स्ट्रिप जो होती है वो सीधे ग्राउंड में पहुंचा देती है और हमारे बिल्डिंग को बचाती है किसी भी तरह के डैमेज से। व्हेन सच ए लाइटनिंग कंडक्टर अर्थिंग इज फिक्स्ड ऑन ए टॉल बिल्डिंग, द ऑन सराउंडिंग एरिया इज आल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइटनिंग। इट विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द लाइटनिंग इन द लेसन ऑन डिस्ट्रेस मैनेजमेंट। मीन्स कि ये सारी चीज़ों के बारे में हम और ज़्यादा पढ़ते हैं जहाँ पे हमें जो है कि अपने प्रिवेंशन की बातें करनी होती हैं, जैसे कि डिस्ट्रेस मैनेजमेंट के जो है उसमें हम इस चीज़ को ज़्यादा पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हीट। ये है चैप्टर नंबर 9, हीट है साइंस का, ठीक है। यहाँ पे हम हीट को पढ़ेंगे। हीट में मेनली जो हम पढ़ते हैं वो है कि हीट का कंडक्शन कैसे होता है, किन किन वस्तुओं में किस तरह से हीट का कंडक्शन होता है। हमारे चारों तरफ जो भी इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे गैस पे खाना बना रहे हैं, यहाँ पे आइस क्यूब जो है मेल्ट हो रही है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, तो हम बोन फायर जला के, लकड़ियाँ जला के बैठते हैं और उससे हीट लेते हैं। रब योर पाम अगेंस्ट ईच अदर एंड पुट देम ऑन योर चीक्स, व्हाट डू यू फील। जब भी हम अपने यहाँ पाम को रब करते हैं और उसको अपने चीक्स पे रखेंगे तो हमें गर्म ही महसूस होगा। वी कम टू नो सम प्रॉपर्टीज ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द एग्जाम्पल इन द पिक्चर एंड द एबव इलेक्ट्रिक। The sun heat has many effect and uses. How does the solar heat reaches the earth? जो सन की जो एनर्जी है, सन की जो हीट है वो किस तरह से हम तक पहुंचती है। How does the heat in the water heated to boil slowly decreases once it is taken off the flame? जैसे कि हम वाटर को गर्म करते हैं गैस पे रख के, और जब वो बॉयल होना शुरू होता है और जब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं तो फिर से उसका बॉयल होना जो है बंद हो जाता है, और धीरे धीरे अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो वो कूल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हीट के ट्रांसफ़र की वजह से होती हैं। हीट का ट्रांसफ़र अगर अलग अलग जो सब्सटेंसेज हैं उनमें अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग सब्सटेंसेज में हीट का ट्रांसफ़र अलग अलग होता है। व्हाई डज हलवाई, जो हलवाई होते हैं जो मिठाइयाँ बनाते हैं वो जो है अपने रैप कर लेते हैं, रैप
ऑफ क्लॉथ अराउंड द एंड ऑफ हिज स्लॉटेड स्पून, उनका जो स्पून बड़ा सा होता है उसके एक साइड पे वो कॉटन क्लॉथ को रैप करते हैं, क्योंकि उन्हें जो है अपने स्पून से को बहुत देर तक चलाना होता है और उसका दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा, इसलिए वो जो है कॉटन से उसको रैप करके रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो रीजन होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इन सारी चीज़ों का रीजन जो होता है वो हीट का ट्रांसफ़र होता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट मेथड से होता है। जैसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होता है कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन से होता है। जो कंडक्शन होता है, जो कन्वेक्शन होता है और जो रेडिएशन होता है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से यह जो है कि होता है। जब जो एपरेटस बार ऑफ स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील का जो बार होता है एल्यूमिनियम एंड कॉपर एंड कैडल बर्नर पिन ईटीसी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एक गैस है, गैस में गैस को जब हम यहाँ पे जलाएंगे, बर्नर है स्पॉट ऑफ द वैक्स, और ये जो है पिंस है, यहाँ पे वैक्स है, मेटल मेटल ये मेटल की स्ट्रिप है, ट्रायपॉड है। तो प्रोसीजर यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या करना है प्रोसीजर में, और बाकी इसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है। पिन फॉल स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियर द बर्नर, इट मीन्स दैट ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ द बार टू द कोल्ड एंड। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड पार्ट इज कॉल्ड द कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द हॉट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कोल्ड पार्ट तक। तो इस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो जो भी सॉलिड है, सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है, जबकि जो वाटर होता है जब हम उसको गर्म करते हैं और वो बॉयल होता है तो वहाँ पे जो हीट का कंडक्शन होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। इन यहाँ पे एपरेटस दिया गया है और यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन इस प्रोसीजर को समझ और ये रेडिएशन यहाँ पे बताया गया है कि रेडिएशन से हीट के ट्रांसफ़र के लिए देखिए यहाँ पे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, हीट जो है खुद ही मूव करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर दिए गए हैं, प्रोसीजर हम अपने घरों में रेगुलर ये सारी चीज़ें यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है मेन चीज़ें देख लेंगे। यहाँ पे ऑपरेटर्स वगैरह को देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो भी मेटल की वस्तुएँ होती हैं उनमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है, और जो भी वाटर या लिक्विड होता है उसमें हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है, और जो भी जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता वहाँ पे जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो रेडिएशन के थ्रू होता है। सन से हमें जो लाइट प्राप्त होती है, जो हीट प्राप्त होता है वो रेडिएशन के थ्रू आता है सन से लेके हम तक। और यहाँ पे हम देखते हैं वाटर का, हम याद रखेंगे कि वाटर जो हीट होता है, वाटर जो गर्म होता है वहाँ पे हीट जो है बर्नर से लेके वाटर फ्लास्क तक और वाटर तक कन्वेक्शन के एक प्रोसीजर है, कन्वेक्शन, उसके थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है। गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होते हैं, जैसे कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, वहीं पे जो लकड़ी है और कॉटन क्लॉथ है वो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया हीट, ठीक है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और हीट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली ये दोनों चैप्टर। तो जूनियर एडेट का जो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ज़रूर से फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मैं पूरे साइंस के सिलेबस का यहाँ पे कंप्लीट कराने वाली हूँ। धन्यवाद।